Mafimongo is Berse. Mafimongo come a bandia di Vaciose. Mafimongo Ortose. Mafimongo Garib se. Mafimongo Sharam Karo. स्मृति ईरानी जिन्होंने कभी तुलसी का किरदार निभाया और अपनी अदाकारी से करोड़ों भारतीयों के दिलों में जगह बना ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। स्मृति ईरानी जिन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो ऐसा रखा कि लोगों के घरों तक स्मृति ईरानी पहुंच गई। दबंग व्यक्तित्व और उससे भी दबंग आवाज के साथ संसद के अंदर जब स्मृति सरकार का पक्ष रखती तब विपक्ष उन्हें केवल सुनता ही रह जाता। भारत माफ की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। स्मृति कभी बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करती तो कभी महिला बाल विकास मंत्री के रूप में काम करती तो कभी एचआरडी मिनिस्टर के तो कभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के रूप में काम करती। लेकिन जो एक समान बात उनके हर एक रूप में काम करने के दौरान रहती वह थी काम के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा का भाव। वही स्मृति की राजनीति में पूरी तरह बदलाव तब आया जब उन्हें कांग्रेस के सबसे ताकतवर और सबसे दिग्गज नेता राहुल गांधी के खिलाफ उन्हीं की पैतृक सीट अमेठी से उतारा गया। ये कदम स्मृति के लिए न केवल एक राजनेता के रूप में जीवन में बदलाव लेकर आया बल्कि एक महिला के रूप में सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण देखा गया। हालांकि इस चुनाव में उन्हें लगभग 1,00,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और वे उतनी ही दृढ़ता से पार्टी में काम करती रहीं। इन सभी बातों को देखकर हार के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का मौका दिया था। हालांकि एचआरडी मिनिस्टर के तौर पर स्मृति को काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना कार्यभार बखूबी निभाया। जिसके बाद साल 2014 में हार का सामना कर चुकी स्मृति 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उतरने के लिए कमर कस चुकी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में यानी अमेठी में हराकर ना सिर्फ स्मृति ने अपने नाम और काम का दम पूरे देश को दिखाया बल्कि स्मृति ईरानी ने दिखा दिया कि अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। स्मृति ईरानी ने इस चुनाव में राहुल गांधी को लगभग 50,000 वोटों से मात दे दी थी। जिसके बाद लोकसभा में स्मृति ईरानी कई बार दहाड़ती हुई नजर आई। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू? You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की। तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। लेकिन टीवी एक्ट्रेस से राजनेता बनी स्मृति ईरानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली स्मृति को कांग्रेस के केएल शर्मा ने बड़े मार्जिन से हरा दिया था। लेकिन नतीजे आने के बाद स्मृति ने अपने फैंस, फॉलोवर्स और मतदाताओं से कहा कि जोश कम नहीं हुआ है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन
और अभिनंदन। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गईं तो हार ने बीजेपी के भीतर उनको लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए। खुद स्मृति ईरानी हार की टीस से नहीं उबर पाई थीं कि एक बड़ा सवाल और तैरने लगा था कि क्या स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी कैबिनेट में जगह मिलेगी या फिर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल है कि क्या स्मृति को राज्यसभा भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की हार लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। तरह तरह के मीम्स चल रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्मृति ईरानी की राजनीतिक पारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नेह और सहयोग से ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2011 में स्मृति ईरानी को राज्यसभा का सदस्य बनाने के पक्ष में थे और बीजेपी के केंद्र के नेता उस वक्त जरा कम थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को गुजरात से राज्यसभा में भेजने का रास्ता बनाया। स्मृति ईरानी को अपने दस्तावेज तैयार करने और जमा करने में दिक्कत आ रही थी, समय कम था। तब नरेंद्र मोदी ने ही उन्हें एनसीपी प्रमुख और तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार का नाम सुझाया था। स्मृति ईरानी भी मानती हैं कि शरद पवार ने सहयोग दिया था और मोदी की वजह से वो राज्यसभा पहुंच पाई थी। और अब एक बार फिर मोदी के पास ये मौका है कि वो स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और सबसे पहले श्रेष्ठ भारत आपको बताएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और खबर को शेयर करना मत भूलिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।